तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 20। दोस्तों पिछले ही एपिसोड में जब हम सिल्वर कॉन्सोली हार जाते हैं जोटो रीजन की, उसके बाद हम मिलते हैं गैरी ओक से जो एक रिसर्चर बनना चाहता है और वो निकल जाता है इंडिको प्लेटो की तरफ। तो हम भी घर की तरफ आते हैं और हमें पता लगता है कि गैरी यहाँ पर वापस आ चुका हुआ है। तो अब हम गैरी से मिलने जाने ही लगते हैं कि फिर मिस्ट्री और ब्रॉक बताते हैं कि वो लोग अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। मिस्ट्री को जिम संभालना है और ब्रॉक को भी जिम ही संभालना है, इसलिए वो दोनों अपने रास्ते पर चले जाते हैं और इसलिए हम लोग अकेले रह जाते हैं इस बार। दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी कोई नई गेम आती है सबसे पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पिछले मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है, तो दोस्तों ये है आबरा। सबसे पहले आंसर दिया है सुमित भाई ने, फिर दिया है जीएस गेमर ने, उसके बाद दिया है एनिमल लवर ने, फिर दिया है आदित्य भाई ने और उसके बाद दिया है यश भाई ने। दोस्तों यही वो डी पोकेमोन हार्ड फैन थे जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमोन हार्ड फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे, क्वेश्चन कुछ देर के स्क्रीन पे आने वाला है। साथ में दोस्तों इस गेम को मैंने नहीं बनाया है, इसका सारा क्रेडिट जाता है अंकित कुमार भाई ने, ये गेम उन्होंने ही बनाई है। या बहुत से लोग पूछ रहे थे कि उनको हिनोवा रीजन का पार्ट चाहिए, अगर भाई का मन होगा तो वो जरूर बनाएंगे। इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उसका पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी अगर कोई अपडेट होगी तो मैं सबसे पहले आपको ही दूंगा। चलिए गाइस देखते हैं कि कहां से है मतलब हिनोवा रीजन का रास्ता। इतना मुझे लगता है कि जरूर हिनोवा रीजन तक हम जा सकते हैं इसी जगह से, कोई तो क्लू होगा। वेलकम बैक हनी। तो मतलब गैरी ओक आ चुका है यहां पे और हमें देखना है गैरी ओक कहां पे है, क्योंकि मुझे गैरी ओक से मिलना है। तो मेरे हिसाब से शायद गैरी ओक प्रोफेसर ओक की लैब में ना हो, मैं बाकी लैब में जाके प्रोफेसर ओक से पूछ लेता हूँ। और अगर प्रोफेसर ओक से पूछूंगा तो गैरी से पूछ, शायद गैरी भी अपने अलग जर्नी पर जाएगा और मैं भी अपने अलग जर्नी पर जाऊँगा। बाकी देखते हैं, मुझे से अभी मतलब थोड़ा सा पार्ट होना चाहिए ये। तो मतलब गैरी ओक यहाँ पे पहले आया था पर अब जा चुका है यहाँ से। हाँ अभी वो अपने नए एडवेंचर के लिए निकल चुका है गैरी ओक, उसने मुझे बताया था। तो गैरी ओक कहाँ हो सकता है, गैरी ओक यहाँ पे तो नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं गैरी ओक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक पोकेबॉल जिसमें है एक रिवाइव। ठीक है रिवाइव को संभाल के रख लेंगे, शायद कभी काम ही आ जाए हमारे, कभी क्या वैसे भी मेरे सबसे ये पार्ट का एंड होने वाला है तो शायद अब ना भी आए तो कोई बात नहीं। बाकी मैं ऊपर छत पर देख लेता हूँ, शायद गैरी ऊपर ना बैठा हो। बाकी देखते हैं इसे कहाँ, वो नए एडवेंचर की तरफ निकल चुका है और हमें गैरी से मिलना भी है। और देखते हैं कि हमारा ऐश का क्या विचार बनता है, वो हिनोवा रीजन अभी निकलेगा कि मतलब जब मन किया भाई का गेम बनेगी तब निकलेगा, बाकी कुछ मैं क्या नहीं सकता हूं। तो ये बात हमें कुछ बता रहे हैं। चल चलते हैं नीचे और मैं सोच रहा हूँ कि मैं विरिडियन सिटी की तरफ निकल के देखता हूँ, क्योंकि शायद विरिडियन सिटी पे मतलब ऐश कह रहा हूँ गैरी ना हो वहाँ पे मेरे साथ से विरिडियन सिटी। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ विरिडियन सिटी को जाके, जाने में तो कोई हर्ज ही नहीं है विरिडियन सिटी तक। चलो गाइस विरिडियन सिटी तक चलते हैं पैदल और देखते हैं शायद गैरी ओक वहाँ पे ना हो, मतलब ना हो मतलब हो सॉरी ना हो गया दिया एक मिनट में कुछ है। तो फाइनली गैरी हमें मिल चुका है, तो गैरी भी वहीं पे जा रहा है। हे तुम मुझे गुड बाय कहने आए हो? हाँ बस मैं वही गुड बाय कहने आए थे और साथ में जो हमारे पास हाफ पोकेबॉल है वो तुम भी मतलब रिमाइंडर की तरह रख लो। तो वो भी अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ जा रहा है। ठीक है गैरी अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल चुका है और हमें भी निकलना चाहिए यहाँ से। भाई साहब हो ये हो कहाँ जा रहा है? दैट्स हो ओ भाई साहब हम हिनोवा रीजन के लिए जाने वाले हैं। ओ टीम रॉकेट, तो ठीक है टीम रॉकेट अपना डायलॉग वगैरह मार रही है तो वो जल्दी आएंगे तो हम जल्दी फाइट कर पाएंगे। तो पिकाचू हमारे हवाले कर दो, अब तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं रहे तुम्हें बचाने के लिए, तुम अभी अलोन हो। अच्छा कोई बात नहीं, ब्रॉक तो वापस आ ही जाएगा हिनोवा रीजन के टाइम, मिस्टी ना आए कोई बात नहीं, मैं तो आ ही जाएगी। बाकी तुम लोग को हराने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। 40 लेवल के भाई साहब अभी तुम लोग हार जाते हो ऐश से, 40 लेवल के पोकेमॉन घूम रहे हो, हमारे पोकेमॉन 60 हैं, 65 का है पिकाचू, 57 का है स्नोलैक्स। ओके थंडरबोल्ट और हेडबट अटैक, थंडरबोल्ट से आबक पूरा जाएगा मेरे हिसाब से, पूरा जाना चाहिए। हाँ पूरा जाना चाहिए वैसे तो चला गया, हेडबट से लगता है विजन थोड़ा सा बच जाएगा। हाँ शायद थोड़ा सा बचेगा, स्मोक श्रीम अटैक मिस ना हो जाए हमारा, उसे अटैक लगना चाहिए। हेडबट अटैक लग गया और अपना कितना डैमेज पड़ेगा इसको, 50% बच गया तो ठीक है। थंडरबोल्ट अटैक करके इसे पूरा ख़त्म करते हैं, भाई साहब पूरा जाएगा अब इससे।
तो टीम रॉकेट यहाँ से अब चली जाएंगी और मुझे विरिडन सिटी के अंदर भी जाना है और एक बार देखना है कि विरिडन सिटी में मतलब गैरी ओक वैसे से प्लेटिनम नहीं इंडिको प्लेटो की तरफ गया होगा इतना मुझे लग रहा है। पहले भी इंडिको प्लेटो की बात ही कर रहा था। तो यहाँ से ये लोग निकल चुके हैं। आई बेटर टू गो प्रोफेसर ओक लैब। तो प्रोफेसर ओक की लैब में क्या है कि हम वहाँ पे मतलब ऐश की मॉम आएगी और बोलेंगी कि तुम जा सकते हो। अगर यहाँ से मेरे हिसाब से यार इतना बड़ा मैप तो नहीं बनाया है कि मतलब जिनोवा रीजन भी साथ में हो, कुछ तो झोलमाल ज़रूर होगा एंड में, देखना पड़ेगा। सर जी यहाँ पे तो कोई भी रिएक्शन कोई नहीं कर रहा, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो ठीक है, मैं को विरिडन सिटी जा ही आता हूँ, विरिडन सिटी के बारे सोच ही रहा हूँ जाने का। तो एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है विरिडन सिटी में, शायद कुछ हमें मिल ही जाए विरिडन सिटी में। और वैसे मैं देखा इस जगह पर सिर्फ विरिडन सिटी यार मतलब साथ में वो क्या बोलते हैं उसे इंडिगो प्लेटो का सिर्फ डोर है जो भी एक साल के लिए बंद पड़ा हुआ है और मतलब आगे कोई रंग का रास्ता है ही नहीं। और बाकी देख लेते हैं आगे जाकर क्या सीन बनता है। बस घास में कोई पोकेमॉन ना आ जाए, वैसे कोई आ तो नहीं रहा है फिलहाल के लिए। ऐसे यार ये गेम मुझे बहुत मज़ेदार लगी, अगर इसका हिनोवा रीजन वाला पार्ट आता तो यार गेम मुझे और अच्छी लगेगी यार। भाई के लिए जो अंकित कुमार भाई ने अगर बनाया हिनोवा रीजन, अगर भाई पूरी सीरीज बनाया कितना मज़ा आएगा यार। क्योंकि पहले मैंने रीबर्थ खेली थी वो भी आधी गई, ऐश ग्रे भी पूरी आधी गई, तो यार मज़ा नहीं आता है। ऐसे सिंगल सिंगल पार्ट बन तब भी बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। बाकी मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पे तो जिम था मतलब और कुछ भी नहीं है इस जगह पे फिलहाल के लिए, कुछ भी नहीं है, सारी जगह खाली पड़ी है। मतलब इंडिगो प्लेटो उस तरफ होगा, इसके ऊपर कुछ हो सकता है शायद ना, घूम फिर के उधर ही आ गए हम। तो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिला है। प्रोफेसर ओक की लैब में दोबारा जाकर देख लेते हैं, शायद वहीं पे कुछ हो मिस्ट्री वगैरह, और शायद प्रोफेसर ओक कुछ ना कुछ कह दें। मैंने बात तो की नहीं थी प्रोफेसर ओक से एक बार भी अभी, मतलब एक बार तो मैं कर चुका हूँ, दूसरी बार बात नहीं की मैंने। एक बार बात कर लेते हैं प्रोफेसर ओक से, शायद कुछ बता ही दें हमें। चलो देखते हैं अंदर जाके क्या सीन बनता है। हम आ चुके हैं अंदर और कहाँ है प्रोफेसर ओक, तो देखते हैं सर जी से बात करते हैं। सो फाइनली डिसाइड टू गो इनोवा रीजन, हाँ इनोवा रीजन जाने के लिए हम तैयार हैं। तो ऐश की मॉम आ गई, ओके तुम्हारे लिए नए कपड़े आ चुके हैं, तो पोकेबॉल्स मतलब पॉकेट एक्स में डिटेल्स हमें मिल जाएंगी और साथ में इनोवा रीजन की टिकट मिल चुकी है हमें जाने के लिए। ओके तो देखते हैं, तो बाकी वाले पोकेमॉन्स का वो ध्यान रख लेंगे। हम S.ST शिप में हैं, पोकेमॉन पूरे हैं हमारे पास, बाकी यार शिप के अंदर सीधा इनोवा रीजन पे लेके जाएगी हमें। मैं इसका टॉप पे जाकर देखता हूँ, शायद विंगल वगैरह ना उड़ रहा हूँ जिसमें मैंने टीवी में देखा था, देख लेते हैं बाहर जाके एक बार। सर जी विंगल का कोई सीन तो नहीं है इधर, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, टाइटैनिक पोस्ट नहीं देना मुझे, चलते हैं यहाँ से। भाई साहब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक मिनट फाइट, ओके यार आ जाओ शिप के बीच में फाइट चलेगी, मैं स्पीड चेक कर लूँगा। आप थंडरबोल्ट पूरा जाएगा, नेक्स्ट पोकेमॉन टेंटाकूल थंडरबोल्ट से ख़त्म करते हैं इसको, ज़्यादा मचमच नहीं करने का। अब यहाँ से चलते हैं यार, यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कैप्टन से बात करनी चाहिए, जो मेन बंदा है कैप्टन, शिप का कैप्टन के पास चलते हैं और पूछते हैं कि कैप्टन सर ये सच में हिनोवा रीजन जा रही है शिप कि हमें नहीं ले जा रही है। ये कैप्टन को ही पता होगा, तो मुझे कैप्टन का कैबिन याद नहीं आया कहाँ पे है, यहाँ पे खाना बन रहा है यार। कैप्टन का कैबिन कहाँ है, कैबिन इस तरफ होगा शायद, नहीं यहाँ नीचे की तरफ को देख लेते हैं। नहीं यार यहाँ पे नहीं था, इसका एंड वाला घर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिल ही जाए क्या पता। ओ भाई साहब यहाँ पर बंदा मिला उल्टा फाइट करने के लिए, ठीक है एक बजे मैंने माचा ठंडा को खत्म करके यहाँ चलते हैं। आई थिंक उसका जो कैबिन है ना वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, पर किस तरफ मुझे याद नहीं आ रहा। इन दो जगहों पर तो कैबिन नहीं है, ऊपर की तरफ कैबिन होगा मेरे हिसाब से, हमें ऊपर साइड पर देखा नहीं मैंने। हाँ इस तरफ को मैंने चेक नहीं किया था, मैं सीधा उस तरफ को चला गया था, इस तरफ को चेक करो शायद कैबिन ऊपर हो। हाँ यही है कैबिन तो ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई देखो अंकित कुमार भाई बोल रहे हैं कि ये शिप हमें हिनोवा रीजन तक नहीं लेके जाने वाली है इस गेम के अंदर, बस फिर दोबारा पूछूंगा। हाँ ये जो गेम हमें नहीं लेके जाने वाली हिनोवा रीजन पर, ये क्लियर हो चुका है। शायद वो मतलब कोई अलग गेम बनाने का सोच रहा है, हिनोवा रीजन आ भी सकती है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। शायद अगर आई तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर आएगी तो हम उसका गेम प्ले ज़रूर डालेंगे। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर करो, कमेंट करो। आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ अभी जाके फॉलो करो। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।